नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश सिंह, चेयरमैन बाबू संबक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन श्रणवा दुबान साहब प्रतापगढ़। मित्रों, इस समय हमारा देश बहुत आपदाग्रस्त हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। आर्थिक क्षति जो हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन जो मानवता के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लग गया है, इस वायरस से तमाम मौतें हो रही हैं हमारे देश में, ये बहुत ही दुखद है। हम लोग हर प्रकार से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का अनुपालन करते हुए, पूरा देश आज लॉकडाउन में है, हमारा पूरा समाज एक स्थान पर स्थिर हो गया है। इसी क्रम में आज मैंने, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, इसलिए सबसे पहले मैंने 1,11,000 रुपए का अनुदान मुख्यमंत्री राहत कोष उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम मैंने बड़ौदा ग्रामीण बैंक से आज भेजा है। यदि कोई विषम परिस्थिति आती है तो हम सभी लोग देश के साथ हैं और हर प्रकार की विषम परिस्थिति से निपटने के लिए हम सभी लोग समाज के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं, देश के साथ हैं। आर्थिक रूप से मैंने प्रधानमंत्री राहत कोष में 5,00,000 रुपए का अनुदान दिए जाने हेतु मैंने चेक बैंक में भेजा है और हमारे परिवार के सभी सदस्य, ये हमारे बड़े पुत्र हैं प्रशांत जी, इन्होंने अपने खाते से NFT किया है 11,000 रुपए, और हमारे छोटे पुत्र शिवम जी हैं, इन्होंने भी अपने खाते से 11,000 रुपए डोनेट किया है मुख्यमंत्री राहत कोष में NFT के माध्यम से। हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हमारी माता जी, हमारी पत्नी, हमारे भाई और जितने भी बच्चे हैं, सभी लोग मुख्यमंत्री राहत कोष में RTGS के माध्यम से, NEFT के माध्यम से और ऑनलाइन पेमेंट ये लोग एक हफ्ते पहले ही कर चुके हैं। और अभी आगे, पहली बात तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, पारब्रह्म परमेश्वर से, अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूँ कि इस महामारी का जल्दी से जल्दी अंत हो और इस देश से, इस देश के सभी लोग सुरक्षित हों, सबको इससे निजात मिले। यदि कोई विषम परिस्थिति आती है तो हम सभी लोग देश के साथ हैं और हर प्रकार की विषम परिस्थिति से निपटने के लिए हम सभी लोग समाज के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं, देश के साथ हैं। कृपा करें, हमारे जितने भी देश, समाज, राष्ट्र के लोग हैं, जो भी आपसे बन पड़े इस महामारी से निपटने के लिए, आप सभी लोग सहयोग करें, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से। और सबसे बड़ी चीज है कि अपनी सुरक्षा है कि दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, 1 मीटर से दूर रहें। घर में भी अगर आपस में बात करते हैं तो दूर दूर रह करके बात करें और अपने हाथ को बार बार साबुन से धोएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरा मोबाइल नंबर 94591-8689450091861 है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर पूरे जनपद में कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर कोई भी समाज का प्राणी, कोई सामाजिक परिस्थिति ऐसी उसकी है कि वो दवाई के लिए या भोजन के लिए या अन्य किसी आवश्यक वस्तु के लिए परेशान है, तो इस नंबर पर हमें सूचित करें, हम यथासंभव उसका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।